नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बाबू इलेक्ट्रिक टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जैसा आपको टाइटल से और थंबनेल से समझ में आ रहा हो, दोस्तों किसान भाइयों के लिए बेस्ट किसान टॉर्च के बारे में बात करने वाला हूं, उसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, प्राइस बताने वाला हूं, फीचर बताने वाला हूं, और दोस्तों उसको मैं जला के बताने वाला हूं कितने किलोमीटर का उसको फोकस है और उसे आप कैसे परचेज कर सकते हो, ये भी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है और जो भी मित्र हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, YouTube चैनल से जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में किसान टॉर्च को जला के बताऊँगा। आपको दिख रहा हो मेरे हाथ में किसान टॉर्च है और इसको मैं जला के बता रहा हूँ, ऑन करता हूँ स्विच को और आपको कुछ प्रकार से आपको दिख रहा होगा, दूर तक इसका फोकस है, आपको दिख रहा हो कम से कम आधे 600-700 मीटर का इसका फोकस है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा किसान टॉर्च है साका कंपनी की किसान टॉर्च है और आपको दिख रहा होगा रिचार्जेबल सोलर LED टॉर्च लाइट इसे कहते हैं और लाल कलर में आपको दिख रहा होगा, इसमें दो तीन कलर आते हैं और आपको दिख रहा होगा इसके फीचर इको फ्रेंडली है, इम्पोर्टेड बैटरी है, 50,000 प्लस आवर्स LED लाइफ है, स्ट्रॉन्ग है, एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर। और दोस्तों, आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं, दोस्तों आपको जो सफ़ेद आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम कलर में आगे का जो शीशा होता है इसका, इसे एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर कहते हैं। रिफ्लेक्टर मतलब प्रकाश का फैलाना, तो इसके माध्यम से ही जो प्रकाश का फैलाव होता है। तो आपको दिख रहा है कुछ प्रकार से, और इसके स्पेक्स आपको बता देता हूँ, आपको दिख रहा है कुछ प्रकार से, मॉडल है KT Nano। हाँ दोस्तों, मॉडल है KT Nano और रिचार्जेबल सोलर LED टॉर्च लाइट है, स्पेक्शन है, बैटरी है इंपोर्टेड 4 वोल्ट की बैटरी। हाँ दोस्तों, इसमें आते हैं 4 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी आती है, इसके अंदर जो बैटरी आती है तो 4 वोल्ट की बैटरी है, चार्जिंग है 6 से 7 घंटे, चार्जिंग वहन फुली डिस्चार्ज ऑपरेटिंग टाइम है, मतलब 6 से 7 घंटे आप चार्ज करोगे इस बैटरी को तो 8 से 10 घंटे आपको ऑपरेट देगा। एडेप्टर है 100 से 240 AC, 50 हर्ट्ज इनपुट और 4 से 10 वोल्ट DC आउटपुट। तो दोस्तों, इनपुट और आउटपुट है, AC DC में सिस्टम है, सोलर चार्जिंग ऑप्शन है इसमें, 4 WP 5 से 6 वोल्ट सोलर पैनल इज कंपलेटेबल विथ दी प्रोडक्ट। और नोट इसमें स्पष्ट लिखा गया है, पहला नोट है, बैटरी शुड बी चार्ज ऑन रेगुलर बेसिस ऑन वंस इन ए मंथ व्हेन नॉट इन यूज, फीचर स्पेक्शन कैन बी चेंज विदाउट प्रेरियर नोटिस। तो दोस्तों, कुछ प्रकार से इसका मॉडल है वो KT Nano है। अब दोस्तों, इसको हमें खोल लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं, तो वीडियो पर बने रहना। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने के बाद कुछ प्रकार से जो ये टॉर्च है वो निकली है। दोस्तों, इसके अंदर लाल कलर बता रहा था लेकिन ये काले रंग की निकली है, कलर से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, अपनो जो बैटरी है वो है, आपको दिख रहा होगा साका मॉडल है इसका, स्पष्ट लिख रहा है साका, और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ करने का, और ये आपको दिख रहा होगा ये है एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर। हाँ दोस्तों, ये है एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर जो प्रकाश का फैलाव करता है, 4 वोल्ट के अंदर बैटरी है, और आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से ये है फ्यूज। आप दोस्तों, इसके साथ साथ फ्यूज आया हुआ है, तो इसके अंदर फ्यूज इसमें लगाते हैं और आपको दिख रहा होगा फ्यूज का ढक्कन ये आता है, तो फ्यूज इसमें हम इसको कस लेते हैं। और नीचे का जो आपको दिख रहा होगा ये है चार्जर का। हाँ दोस्तों, ये चार्जर आता है, आपको मैं चार्ज बता देता हूँ, तो 4 वोल्ट का चार्जर आता है, जैसे मोबाइल चार्जर का आता है वैसे। और आपको दिख रहा होगा साका कंपनी 4 वोल्ट स्पष्ट लिखा रहेगा, इसे 6 वोल्ट भी आती है, ऐसी बड़ी बैटरी आती है किसान टॉर्च। और आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से ये इसकी चार्जिंग पिन आती है, इसके अंदर ये चार्जिंग पिन लग जाती है, आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों, इसको मैं चार्जर को लगा के बता देता हूँ कि जो आपको दिख रहा हो कुछ प्रकार से चार्ज में लगा के बता रहा हूँ कि मतलब ये चार्जर सही है और चार्जिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो वीडियो पर बने रहना। आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से चार्ज लगा दिया है और इसकी जो बैटरी है वो आपको दिख रहा होगा कुछ प्रकार से ये टॉर्च जल चुकी है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं इसका फोकस है लगभग कम से कम 500 मीटर 600 मीटर का इसका फोकस है, और आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो अमेजन फ्लिपकार्ट पे। एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर है दोस्तों, सबसे ज़्यादातर ख़राब हो जाती है, तो इसे रिपेयर आप घर बैठे कर सकते हो, मेरे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन मिल जाएगा, और मेरे चैनल पर आप देख सकते हो बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर स्विच ख़राब हो जाए तो उसको कैसे बदले, कटोरी जो आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर ख़राब हो जाए तो कैसे बदले, तो रिपेयर कैसे करें।